हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पुरानी दिल्ली के फूड्स एंड ब्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और इसी तरह अच्छे रहिए अपने अपने घरों में और सेफ रहिए। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो आप जरूर देखिएगा और आप इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिएगा, मेरी रेसिपीज को भी देते रहिएगा। और मेरा चैनल आपको अगर अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और चलिए आज की रेसिपी आपको दिखाती हूँ। मेरी सारी रेसिपीज बहुत स्पेशल होती है तो आप पूरा वॉच कीजिएगा और फिर अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। बेहद ही टेस्टी दाल गोश्त हम निकाल लेते हैं बाहर। बेहद ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है तो आप इसी तरीके से बनाइएगा और मेरे वीडियोस को ऐसे ही वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और जो हमारा बचा हुआ ऑयल था वो डाल देते हैं। और आज मैं आपके लिए ये टेस्टी दाल गोश्त लेकर आई हूँ, इसे आप अपने घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। ये बेहद लजीज है और बहुत आसान तरीके से बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स और इसके सारी विधि आपको बताती हूँ। तो चल के जल्दी से हम इसको बनाते हैं। इससे पहले आप एक बात कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इतना टेस्टी आपको दाल गोश्त कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इसकी मेकिंग दिखाते हैं जल्दी से। ये दाल गोश्त के लिए मैंने यहाँ पे मीट ले लिया है, ये मटन का मीट है, ये 300 ग्राम लिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है एक बड़ा चम्मच और धनिया लिया है एक बड़ा चम्मच, नमक लिया है स्वाद के अनुसार, हल्दी थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा और आधा चम्मच ले लिए मैंने, और लाल पीसी मिर्च ले लिए मैंने एक छोटा चम्मच, एक प्याज ले ली है मैंने मीडियम साइज़ की, और ये दाल मैंने ली है आधा कप। इसको धोकर हम अच्छे से भिगो देते हैं और ऑयल हम जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने की विधि स्टार्ट करते हैं। एक होगा गरम हो गया है, यहाँ पे आधा कप ऑयल मैं डाल दूंगी। कोई और मसाला आप थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मिर्च वगैरह। अगर कोई ज़्यादा तेज खाता है तो मिर्च बढ़ा सकता है, लेकिन मैंने इसलिए कम डाली है कि अभी हरी मिर्च हम इसमें और ऐड करेंगे आगे जाकर। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनियन, अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। पहले अनियन अच्छे से फ्राई हो गई है, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी हल्दी, इसको भी इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे अपना मीट। अदरक लहसुन का पेस्ट, जब तक अदरक लहसुन की स्मेल इसके अंदर आ रही है हम इसको हाई फ्लेम पे भूनते रहेंगे। अदरक लहसुन की स्मेल इसमें से अच्छे से निकल गई है, सारे ड्राई मसाले यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। इसको भी आप डालकर अच्छे से भून लीजिए, जब तक ये सारे कच्चे मसालों की स्मेल इस मीट में से ना निकल जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। और अगर ये नीचे लगता है तो बीच बीच में वाटर ऐड करते रहिएगा। मीट हमारा अच्छे से भुन गया है, सारे कच्चे मसालों की स्मेल निकल गई है, यहाँ पे अब मैं वाटर ऐड करूँगी। वाटर हम उतना ही ऐड करेंगे कि हमारा मीट जो है 60% तक गल जाए, क्योंकि हमें दाल गलानी है तो 40% के अंदर दाल गलेगी। तो अब आप इसमें देख लीजिएगा कि आपका 60% कितनी सीटियों पर गलता है। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 सीटियाँ लूँगी, 2 सीटियों के बाद हम आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये सीटी मैंने बंद कर दी थी, अब ये निकल गई है। चलिए मैं इसको खोल कर देखते हैं। हमारा गोश्त जो है जितना हमें गलाना था उतना गल गया है। अब हम इसको तेज आंच पर और अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमें आगे के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। देखिए हमारा गोश्त कितने अच्छे से भून रहा है, सारे कच्चे मसालों की स्मेल भी निकल गई है, अच्छे से डन भी हो गया ये। अभी हम इसको थोड़ी देर और भून लेंगे ताकि इसके जो और मसाले का टेस्ट है वो हमारे सारे मीट के अंदर आ जाए। तो आप इसको उससे भूनते रहिएगा अभी थोड़ी देर तक और। ये सारा गोश्त हमारा अच्छे से भून गया है, अब हम इसका थोड़ा सा ऑयल उतार लेंगे ताकि हम बाद में जब ऊपर से डालेंगे तो अच्छा लुक आएगा। तो आप इसमें से उतार लीजिए, क्योंकि दाल डलने के बाद है ना ऑयल
मिक्स हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हमने थोड़ा सा 2 कप घी उतार लिए हैं, आप भी थोड़ा सा उतार लीजिए, इसे हम बाद में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी धुली हुई जो हमारी दाल रखी थी वो इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम दाल और गोश्त को पूरा 90 से 95% तक पका लेंगे। इसके लिए हम लगा देंगे इसके अंदर सीटी। पहले हमने इसके अंदर 3 सीटियां लगाई थी, अब आप इसके अंदर 2 सीटियां लगाकर देख लीजिए। अगर आपकी दाल और मीट 95% गल जाए तब आप उसको रोक दीजिएगा, अगर नहीं गलते तो 1 सीटी और ले लीजिएगा। मैं पहले 2 सीटियां लगाकर देखती हूँ। ये देखिए 3 सीटियां आ गई हैं, बिल्कुल हमारा रेडी हो गया दाल गोश्त। दाल भी हमारी गल गई है अच्छे से, ये देखिए। यहीं पर हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, थोड़े से जिंजर जो मैंने काट लिए थे, थोड़ा सा हरा धनिया और जो ऑयल हमने पहले निकाला था वो डाल देंगे, थोड़ा गरम मसाला। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए दम कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए, फिर हम सर्व करते हैं। चलिए हम इसको बाहर निकालते हैं, बेहद ही लजीज आलू, बेहद ही टेस्टी दाल गोश्त हम निकाल लेते हैं बाहर। बेहद ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा और मेरे वीडियोस को ऐसे ही वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, जो हमारा बचा हुआ ऑयल था वो डाल देते हैं। देखिए गाइस, इसको हमने डिश आउट कर लिया है, आप भी इस तरीके से अपने घर में बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।